अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा गियर बॉक्स है इसके खराब होने के क्या क्या होगा। अगर ये खराब हो जाएगा तो यहाँ से पानी लीक करेगा, एक रीजन ये खराब होने का, अगर पानी लीक करता है अंदर से आएगा पानी, अंदर से समझ रहे, बात नहीं आया, अंदर से आएगा मतलब गियर से होते हुए रिश्ते में पानी, यहाँ से ये सब जंग लग जाएगा, मतलब गियर बॉक्स खराब हो गया, लीक हो गया। यदि हम इसको चलाते रहेंगे तो ये पानी चला जाएगा इस मोटर पे और इन्वर्टर भी चल जाएगा, तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। और जब ये खराब होगा, लीक होगा, तो यहाँ पर छींटा आ जाएगा पानी के ऊपर, ऐसे पता चल जाएगा कि ये खराब हो जाए और उसे भी यहाँ जंग लग जाएगा। ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये कि इसके अंदर जो गरारी कटी कटी बने ना, गार्ड बने हैं प्लास्टिक के, वो कट गए, बीच से दो तीन कट जाएगा, खट जाएगा ना, तो खट खट आवाज़ करता है। जब कपड़ा कस्टमर क्या बोलेगा, भाई हमारी जो आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, मतलब ये वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, खट खट बोलती है, तो आप जाके उसको थोड़ा सा गियर को उसको कस्टमर पकड़ेंगे और मोटर को चलाते मोटर पर काम कर देंगे, उंगरा गया था ना, हाथ से थोड़ा सा पकड़ेंगे, लोड देंगे तो खट खट आवाज़ आएगी, मतलब क्या वो गियर टूट गया है, इसको बदलना है। बदलने का सिस्टम क्या है, इसको लाइव लाइए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार स्क्रू ये कसे हुए हैं, चारों खोलेंगे निकल जाएगा। कभी कभार ये पुल्ली छोटी बना देता है, बड़ी बना देती है, स्क्रू दिखते नहीं है, तो पहले आपको पुल्ली निकालना होगा, फिर स्क्रू दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसको चारों खोलेंगे। खोलिए, चारों को पहले खोलिए, फिर बता दें कैसे निकलेगा, अभी निकालते हैं बाहर इसको। गियर बॉक्स बदलना बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं, और इसी का चार्ज बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये इतना खुल गया, अभी भी निकलेगा नहीं, अब इधर आइए, इधर आ जाइए, देख लीजिए लो। अब यहाँ पे आपको ये देखिए जो प्लास्टर पे नट लगा हुआ है, प्लास्टर पे उसको भी खोलना पड़ेगा, खोलिए हम जैसे दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, खोलिए नट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक ठीक, खोल लीजिए और प्लास्टर को बाहर खींच लीजिए, खुल गया होगा, खींच लीजिए, ये आ गया प्लास्टर बाहर, अभी गियर बॉक्स हम निकालेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर आ चुका है, वहाँ पे एक और रखा हुआ प्लेट, प्लेट को भी खींच लीजिए, इधर प्लेट हो खींच लीजिए, हाँ उसको खींच लीजिए, हाँ खींचिए, बस आ गया, इस पर रख दीजिए, यहाँ पे इस सब चीज़ों को संभाल के रखते हैं, फिर बाद में मिलता नहीं जल्दी, अब इधर आ गया, चलिए अब यहाँ पे ये जो हमारा गियर बॉक्स है इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये बस बाहर आ गया, देख लिए, यही है गियर बॉक्स। ये सर अब यहाँ पे देखिए वाटर सील भी है, देखिए ये वाटर सील यहीं पे लगी है, ये देखिए वाटर सील पूरा मिल जाएगा, सब सब ये सील मिलेगी, ये सील, हाँ सील इसे लगे रहेगा, लगी रहेगी ऐसे ऐसे, बस इसको लास्ट उसमें लगे खुद देंगे, बस वैसे कस के पल्सर कस के लग गई तुम्हारी, ये सर बनता है कि नहीं, क्या नहीं बनता, नहीं है, नहीं बनता, अच्छा ये जामुन भी होता है इसके अंदर, देखिए खुला हुआ है, इधर साइड में कर देंगे तो चले जाएगा, इसमें क्या है, कहाँ लाइए लाइए लाइए, उसको भी दूसरे वाला भी पार्ट लेकर गए। अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं बनाना इसको, वो दूसरा भी लेकर आइए पार्ट वहाँ से उठा के, एक और है, ये देख रहे काटा, देख रहे ये गियर है और इसका तो प्लास्टिक का होता है, अब मान लीजिए अगर ये काटा कट गया तो इसे बदलेंगे, क्या बनाएंगे, आगे से आपको पार्ट भी नहीं मिलने वाला है, बनाएंगे इसमें, इसमें कुछ भी फॉल्ट अगर आ गया तो आप इसमें कुछ भी बना नहीं सकते हैं, आपको डायरेक्टली बदल देना, 350 का मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये जामुन वाला जामुन रहता है तो 350 हाँ 350 मिल जाएगा, ये कितने का आएगा, 350 बोल रहे हैं आपको, तो फिर सर्विस क्या, हाँ अगर आप लेते तो फिर 800 इसका लेंगे प्लस सर्विस चार्ज, हाँ 800 इसके प्लस सर्विस चार्ज प्लस 350, हाँ ये चल रहा है इस टाइम, ठीक है क्लियर, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करके सीखा गया ना तो फिर तो चाहिए ही, जाम भी हो गया तो फिर हो गया, ठीक नहीं कुछ भी हो गया, देख के देखा, देख
देख के देखा देखिए पहले बात बता दें आपसे कि आपको इससे निकालना ये निकाल नहीं है अभी खराब है। दुकान पे लेके गए उसको एकदम सेम ये साफ देख लेंगे इतना बड़ा साफ है ये चौथे में या कांचे वाला भी आ रहा है। हां ले लेंगे हां ये वो नहीं लेंगे ये लेंगे बस ये वाला ये सब सब इतना ले लेंगे यही लेंगे सेम लाएंगे बिल्कुल सेम इसका जो साफ है ये पुल्ली उल्ली देख लेंगे पुल्ली का छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं पुल्ली पुराने में लगा देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोशिश किया करिए तो लग जाएगी अगर हाँ अगर देखिए पुल्ली इसकी खराब नहीं होती ठीक है तो गियर बॉक्स सेम मिल जाए पुल्ली छोटी मोटी भी मिल सकती है बड़ी तो अब वो पुल्ली उसकी लगा देना पुरानी वाली काम खत्म एकदम सेम साइज ला करके ये 40 के रुपये 40 रुपये का ये लगा रहा है 40 रुपये का भी आता है जो भी है उसको मतलब सेम लगा पीस बना करके फिर खोज देंगे ये काम करना फिर से शुरू कर देंगे तो हो गया और ये लगता है इस तरीके से देखिए ऐसे बस उसे खोज देना है आप इधर से दिखा देते इधर से सामने से अरे लगा लो उसके बाद इसको पकड़ता हूँ नहीं तो पकड़ता हूँ पहले लगा लीजिए ना लगाइए उसको सेट करिए उसके बाद इसको फंस दीजिए जाएगा अंदर जाएगा वाटर सील लगा ना इसमें सील सील हाँ ठीक है लगा ठीक है कसी है पहले सेट कर लीजिए फिर कस दीजिए दिक्कत नहीं होगी आसान काम है लोग बोलते हैं कि बहुत क्या तो कोई भी कर लेगा अच्छा सर ये नीचे से कहीं सपोर्ट नहीं होती इसकी कुछ नहीं होता एयरबॉक्स बस कुछ नहीं कहीं तो लोड पे ही रहता है सही सपोर्ट है और इसको कसने का भी तरीका है कि पहले आप इस लाइन को कसिए इसको जस्ट नीचे वाले इसको कसिए फीस पे जस्ट थोड़ा आमने सामने वाले कसेंगे जब तो अच्छे तरीके स्टार्ट होते हुए क्योंकि वो एक कस देंगे तो दूसरा गिरेगा नहीं और वो कस हो जाएगा मतलब घुमाएगा नहीं साइड सर कैपिस्टन यहाँ अंदर रखा जाता हाँ यही पे जगह जो जगह बनाया गया है उसी में डाल देते हैं जगह है नहीं पे डालते तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसी डाल देना चाहिए अच्छा टाइट बेल्ट से कई बार दो टाइट बेल्ट से कई बार दो उसको हाँ बांध दो चाले डाल दो अब यहाँ पे ये हमारा जो गियर बॉक्स है ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है चारों स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दिया गया है। टाइट करने के बाद वहाँ पे जो उसका साफ है उस पर लगा देंगे पल्सटर को बस ये हमारा लग जाएगा तो स्क्रू को यहाँ को अच्छी तरीके से टाइट कर देना होता है ताकि मतलब दोबारा खुले ना हो वैसे खुलता नहीं तो ये है।